तेग बहादुर दिल्ली शाही बंदी खाने में कैद सी। हाँ तशेफ, की खबर है? बहुत अच्छी खबर है हजूर, दखन की बगावत दबा दी गई है। बंगाल सारे विच मुगल सल्तनत का परचम लहरा दिता गया है। वादी कश्मीर विच साडे सूबेदार ने अमन कानून चंगी तरह कायम कर लिया। हिंदुस्तान सारे विच मुगल सल्तनत का बोलबाला है। जी हजूर। हाँ ते उस तेग बहादुर दी की खबर है? कि ओ दीन मनिया के नहीं? नहीं हजूर। नहीं? ओ बेवकूफ है, उन्हें जानता कि बादशाह औरंगजेब कदे किसे दी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता। हजूर मैं तो खुद परेशान हूँ, जिस दिन का उसनों कैदी बढ़ा के लिया गया है, सारी दिल्ली विच रोज कोई ना कोई नवी खबर सुनने को मिलती है। नवी खबर? जी हजूर, असी उसनों कैदी बढ़ा के कैद खाने में सुटिया है, पर इतला ये मिली है कि वो अपने सिखा के घर जाके दावता पे खाता है। लगता है दरोगा कैद खाना भी बड़ी खोर हो गया, पर शेख दूजा उसनों हर मुमकिन कोशिश नाल दीन कबूल करने लिए तैयार कर, नहीं तो मैं खुद देखांगा जो भी औरंगजेब दे रस्ते में आया उसनों साफ कर देता जाएगा। अज मेरी ताकत आरूज है, सारे मेरे तो थर थर कम देने, और तेग बहादुर एक ऐसा फकीर है कि जिसनों कोई डर ही नहीं। हजूर मैं दरोगा एक कैद खाना नू तफ्तीश रही आपके सामने हाजिर होने लई बुलावा भेजा है। ठीक किया है, उन्हें पेश किया जाए, ते तू जिस तरह कह गया है तेग बहादुर को जा। सेंट सुल द टाइम्स देखने वाले सारे दर्शकों मेरे वालों सत श्रीकाल, मैं हाँ थोड़ी अपनी एंकर कोमल शर्मा, और अज असीं पहुँच चुके हाँ जी खालसा विमन कॉलेज में, जिथे नाट कला केंद्र वालों एक नाटक तैयार किया गया है। कीड़ा नाटक है और इस किरदार हैं, असीं गलबात करांगे जी खास पूरी टीम के नाल। सो साडे नाल प्रितपाल जी खड़े ने, ते असीं उन्हां दे नाल करदे आं गलबात जी, जिहड़ा खास नाटक तैयार कराया जा रहा है, किन्ने किरदार ने और की परपज़ है इसका। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा भी साडे इस मंच ते आउण ते। तो मैं दसना चाहना कि साडा जिहड़ा नाटक आ गुरशरण सिंह जी का लिखा नाटक चांदनी चौंक तो सरहंद तक है जी, ये लाइट एंड साउंड असी दे रूप दे विच इहनू असी करांगे। तो साढ़े नाल जिहड़ा सहयोग मैडम कर रहे हैं डॉक्टर प्रिंसीपल नवजोत कौर जी, जो कि प्रिंसीपल ने इत्थे दे, ते नाल मैडम सुखवीर कौर जी जिहड़े साडा साथ दे रहे हैं। तो एक नाटक असी पहले भी करवा चुके हैं, तो दूसरा नाटक साडा हुण जा रहा है, ईवन कि मार्च के मार्च एंड तक साडा नाटक तैयार हो जाएगा जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਲਾਇਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਵੁਮੈਨਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੱਲਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਟਕ 'ਚ ਮਸੰਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਨਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੋਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਦਮਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ, ਨਰਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਨੇ।
जी देखो इन्हें बच्चे साढ़े जिन्हें भी वॉयस की हैगी बहुत ही सैलीब्रिटी कलाकार ने जिन्हों का पंजाब बॉलीवुड के नाम आ जिन्होंने नामना खटिया आ साढ़े तो पहले जी आवाज़ हैगी रजिंदर कश्यप जी, जी। विनोद मेहरा जी, जी। तेजपाल मनिहास खुद मेरी आवाज़ है तो होर बहुत सारे दिग्गज है जे जिन्होंने इनू आवाज़ न दिता आ पर एक बाखूबी ये नाटक जरा तैयार होया उम्मीद करते हैं भी सारे संगत नू सारी ऑडियंस नू ये नाटक पसंद आएगा जी। ये नाटक कित्थे होण जा रहा है? ये लालपुर खालसा कॉलेज ग्राउंड च होएगा जी, ओपन दे विच होएगा जी। और चार स्टेजां दे उत्ते खेडा जाएगा जी जी। ते बाहरों इहदे विच मंत्री साहिबान प्रशासन सारा यह सारा अपने नू सहयोग कर रहा जी। ते उम्मीद करते हैं भी इहो जिहे नाटक जिहड़े असीं बार बार करिए जिहड़े पंजाबी ते पंजाबीयत ते पंजाबी विरसे नू संभाल के रखे आ असीं इतिहास नू अहीं जाणू करवावांगे संगत नाल भी साडा जिहड़ा पिछला जिहड़ा इतिहास हैगा वो सानू की दर्शाउंदा आ ते असीं किहड़े राह तुरे होए आ जी। बिल्कुल ते जिहड़े नौजवान नू ने चंगी सेध देगा जी जी। सो जिहड़े नवें स्टूडेंट ने उन्होंने भी सीखण दा मौका मिलेगा कुछ खास गल्लां कुछ गूढ़ियां गल्लां क्योंकि ये थिएटर दे नाल जो असीं जुड़दे आ ते निक्कियां निक्कियां बारीकियां बारे भी असीं जाणू हो जांदे आ। सो साडे नाल मैम सुखबीर कौर खड़े ने ते उन्हां दे नाल करदे आ गल्लबात। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। हाँ जी साडा सारिआं नू प्यार भरी सत श्री अकाल। असीं जल्द ही अपना जिहड़ा नाटक आ सरहंद तो चांदनी चौंक तो सरहंद तक की जिहड़ी गाथा आ वो तुहाडे सामने लैके आवांगे ते उम्मीद करदे आ कि तुसी अपनी शिदकत जिहड़ी आ उहदे विच शामिल करोगे। धन्यवाद। तुसी बने रहो सेंट सोल द टाइम्स विच कैमरामैन विनोद दे नाल कोमल।